ंदर कौनियर टी एट इन दिस सेशन और आज हम यहाँ पे पंजाब पी सी एस के टू थाउजेंड एटीन का सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं राइट ट्वेंटी सेवन नंबर तक क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी डन है ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं राइट तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है राइट right? अगर आपने ढंग से अगर आपने फर्स्ट टू चैप्टर भी ध्यान से पढ़े होंगे राइट मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना से फीचर्स अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे बहुत ही आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर एडोप्शन अडोप्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट right? तो फीचर्स हैं और अडोप्शन है इट मीन्स कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन स्टूडेंट हमने दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए थे राइट इट मीनस कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी उनको हमने कॉपी किया और ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ एक ही यू you नो know, एक ही का uh, कॉन्स्टिट्यूशन uh, उठाया कंट्री का और उसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया नहीं कुछ वहाँ से आर्टिकल लिए कुछ चीज़ें दूसरी कंट्री से अच्छी थी तो वहाँ से बोरो कर लिए राइट और कुछ चीज़ें हमने अपनी इंडियन कल्चर के हिसाब से उसको सेट भी की राइट ओके ओके स्टूडेंट तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है फ़ीचर्स यहाँ पे देखिए आप फीचर्स हैं फेडरलिज्म एडोपशन किया था ये हमने कैनेडा से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये राइट ओके तो थोड़ा स्क्रीन ऊपर करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन जो आज का हमारा रशिया है वहाँ से बोरो किया था नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने आयरलैंड से बॉरो किया डी uh, ऑप्शन है जुडिशल रिव्यू ये हमने यूएसए से बॉरो किया था बिल्कुल जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है दैट इज ऑल्सो बोरो फ्रॉम द यूएसए ओके ये भी हमने यूएसए से ही बोरो किए थे कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स ओके स्टूडेंट तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज अवर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बनेगा स्टूडेंट्स राइट ओके ठीक है जी तो करेक्ट ऑप्शन हमारा वन ही बनेगा वन टू थ्री फोर तीनों ही ऑप्शन उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं right. राइट तो क्वेश्चन करते हैं ट्वेंटी नाइन ठीक है ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन okay. ओके ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट क्या है कहता है विच टू कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट है आर डिस्क्राइबड एज ट्विन सिस्टर कमेटीज कहता है दो ऐसी कौन सी कमेटीज़ हैं जिनको हम ट्विन सिस्टर्स कहते हैं ठीक है दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कमेटीज आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चन है कह रहा है कि वो कमेटीज़ बताइए आप जिनको हम ट्विन सिस्टर्स कहते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन कहता है ये कहता है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट्स कमेटी दूसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग थर्ड ऑप्शन है लॉ कमेटी एंड कमेटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डी ऑप्शन है कमेटी ऑन प्रिवलेजेस एंड कमेटी ऑन पिटिशन सी हेयर स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर उसका आंसर करो जो पॉलिटी है ना स्टूडेंट उसमें मैं आ, अब हम देखो हमने 2012 का पेपर डिस्कस किया 15 का किया आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कुछ चैप्टर जो है ना उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते पॉलिटी में जैसे कि फंडामेंटल राइट है ना फंडामेंटल ड्यूटी उनके बारे में हिस्ट्री में पता होना चाहिए तेलियंट फीचर्स राइट तेलियंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पार्लियामेंट का चैप्टर पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए राइट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए राइट पार्लियामेंट्री कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? तो so, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप अच्छा दो चैप्टर और जिनको वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम और हमारा म्यूनिसपल वाला है ना अर्बन वाला ये वाला चैप्टर ये ऐसे है कितने चैप्टर हो गए वन टू थ्री फोर सिक्स फाइव सिक्स सेवन सेवन एट चैप्टर हैं स्टूडेंट डीपीएसपी राइट डीपीएसपी सेवन एट चैप्टर है स्टूडेंट right? जिनको आप पॉलिटी में कभी इग्नोर नहीं कर सकते मैं कहती हूँ अगर पॉलिटी में से कुछ भी ना पढ़ो ना आप तो ये एट चैप्टर आप पक्के करके जाओ अपने ठीक है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे ओके स्टूडेंट ठीक है जी हाँ जी तो कौन सी कमेटी है स्टूडेंट दैट इज आवर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी वाई बिकॉज जो एस्टिमेट कमेटी है ना स्टूडेंट वो जब हमारा एक्सपेंडिचर तो okay? जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है ठीक है एक्सपेंडिचर जो होता है ना स्टूडेंट ये बिफोर एक्सपेंडिचर क्या करती है एस्टिमेट करती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है जब जब एक्सपेंडिचर हो जाते है, मतलब कि जब सरकार खर्चा कर देती है उसके बाद ये हिसाब करती है तो एक तरीके क्या क्या है? दोनों ही कमेटी जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या करती है डिसाइड करती है क्या करती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है ना गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ठीक है ये उसको इंश्योर करती है उसको चेक करती ठीक है ओके तो दोनों कमेटीज को हम क्या कहते हैं ट्विन सिस्टर कहते हैं ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन तो ये उस टाइम के करंट न्यूज है इवन स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आज तक बनी हुई है 2018 से लेकर और अब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई राइट तो स्टूडेंट थोड़ी सी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ठीक है तो पढ़िए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है अच्छा कहता द रोहिंग्या क्राइसिस हैज मेकिंग द रोहिंग्या क्राइसिस हैज़ बिन मेकिंग न्यूज लेटली यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोहिंग्या सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोहिंग्याज जो हैं कौन सी कंट्री में लाई करते हैं स्टूडेंट कौन सी कंट्री के सिटीजन हैं दैट इज म्यन्मार जिसको हम जिसको हम पहले हम उसको बर्मा भी कहते थे है ना पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर उसको बर्मा कहते थे इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है नॉर्थ ईस्ट में म्यन्मार ठीक है जी ओके okay. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर द एथनिक ग्रुप लार्जली कंप्राइजिंग मुस्लिम्स हु प्रीडोमिनेंटली लिविंग इन द वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ द रखाइन ये आपको पता होना चाहिए जो रखाइन प्रोविंस है किसकी म्यांमार की ये वहाँ रहते हैं दूसरा है ऑल द रोहिंग्यास आर फुल सिटीजन ऑफ म्यांमार ठीक है थर्ड स्टेटमेंट है स्टूडेंट थोड़ा स्क्रीन ऊपर करती कहता ऑल द रोहिंग्याज आर फुल सिटीजन ऑफ म्यांमार जब ऑल ओनली है ना ऐसी कुछ एक्सेप्शनल्स वो आती है ना स्टूडेंट वहाँ पे आप स्टेटमेंट पे थोड़ा रुक जाया करो कि हाँ जी थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कहता है अकॉर्डिंग टू यू एन द रोहिंग्या क्राइसिस इज मेजरली एज ए रिजल्ट ऑफ एथनिक एथनिक्लींजिंग बिंग डन बाय द म्यांमार स्टेट आपको भी पता है एथनिक क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि कोई मतलब ऐसा ग्रुप जिसको वहाँ का स्टेट लाइक ना करता हो उनको लगता हो कि भाई ये जो एथनिक ग्रुप है ये हमारे स्टेट के अंदर नहीं होना चाहिए या कंट्री में नहीं होना चाहिए तो उसकी ना मतलब स्टेट जो है वो क्लिनजिंग करना शुरू कर देता है मतलब ह्यूमैनिटी के नाम पे मतलब यू नो बहुत एक डार्क वो है पॉट है ये ठीक है कि आप किसी एथनिक ग्रुप को क्लीन करने के बारे में सोच रहे हो मतलब कि आप उस एथनिक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको आप या तो मार रहे हो या अपने देश से उनको बाहर निकाल रहे हो राइट तो कुछ ऐसा ही म्यांमार स्टेट में हो रहा है रोहिंग्या के साथ तो स्टूडेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है ये वन टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन टू थ्री तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है ऑल द रोहिंग्याज आर फुल फुलज नहीं वो फुल फुलटीजेंस नहीं है सारे रोहिंग्या सिटीजन्स नहीं है तो सेकंड तो गलत ही होगी तो करेक्ट क्या बनेगी वन एंड थ्री ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके है ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख रहे हो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें स्टूडेंट राइट और स्टूडेंट नोटिफिकेशन की बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे एक स्टूडेंट ने मेरे वीडियो पे पहले भी कमेंट किया हुआ है मैम नोटिफिकेशन का क्या सीन है ठीक है स्टूडेंट नोटिफिकेशन की गेट करना बंद कीजिए बहुत बार समझा है राइट right? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो ना राइट right? जब नोटिफिकेशन आएगी तब देख लेंगे राइट right? आप पहले अपनी प्रिपरेशन तो पूरी करके रखिए ठीक है थीके? बाकी बात हम बाद में करेंगे नोटिफिकेशन आ की तैयारी आपने की नहीं ना आपने प्रीलिम्स किया है ना आपने मीन्स की तैयारी की है पेपर देने चले गए कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है राइट तो अपनी तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स तैयारी करके रख लीजिए राइट और अपनी बाकी काम करते रहिए रहिए अगर आप जॉब करते हो तो जॉब कीजिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कीजिए अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो आप बहुत अच्छे से कीजिए है ना ऐसा तो नहीं है कि हाँ जी आपने जो है वो आ, जो है बस आप नोटिफिकेशन की वेट करे जा रहे हो पढ़ भी नहीं रहे ठीक है और ये भी सोच रहे हो कि पीसीएस की ऑफिसर भी बनना है तो ऑफिसर बनना है ये बात क्लियर रखो और अगर ये बात क्लियर है आपको कि हाँ ऑफिसर बनना है तो फिर आप नोटिफिकेशन का बूथ निकालिए ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक नोटिफिकेशन उसने अनाउंस नहीं की है बट हाँ मैंने आपने कई सेशंस में आपको बोला कि गवर्नमेंट ने ये ज़रूर क्लियर कर दिए कि आपका 2024 में पेपर हो रहा है ठीक है उसमें अब कोई दो है नहीं उसमें कोई शक नहीं है ठीक है स्टूडेंट्स तो फटाफट से आप अपना प्रिपरेशन जो है उसको आप शुरू कर दीजिए ठीक है ओके तो कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज वर इक्वेटेड विद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत सारे बच्चों को इवन आता भी होगा कमेंट बॉक्स में करो ठीक है अच्छा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट की ऐसा अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट स्टूडेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ चेंजेस करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ क्या करो आप चेंजेस करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो देट इज़ आवर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट स्टूडेंट इंदिरा गांधी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे न्यू सेशंस को ऐड किया गया डिलीट किया गया राइट उसी टाइम पे हमारा पूरा बैंकिंग सेक्टर को मतलब एक नया रूप दे दिया गया है नालिज़म हुआ बैंक्स का राइट तो बहुत कुछ चेंज हुआ था उस टाइम राइट देट इज़ फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ओके स्टूडेंट तो लेट्स मूव फर्दर ठीक है थर्टी टू नंबर क्वेश्चन आप पड़िए यहाँ हाँ जी थर्टी टू नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट एक पॉज़ लीजिए फिर क्वेश्चन को पढ़िए ठीक है पॉज लीजिए फिर क्वेश्चन को पढ़िए हाँ जी पढ़ो ओके okay, हाँ जी तो मूव करते थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा स्टूडेंट इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा इसने जब भी ऐसा कुछ हो ना स्टूडेंट उसको राउंड जरूर करे सर्कल कर, कर लेना चाहिए इनकरेक्ट पूछा है नॉट ट्रू पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी और अगर किसी ने की ना और उसके बाद मेरे को बोला कि मैम मेरा क्वेश्चन गलत हो गया इसकी वजह से फिर देखना आप क्या यहीं पे डांट लगा रही हूँ मैं आपको ऑनलाइन ठीक है ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी ठीक तो है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज इन करेक्ट विद रिगार्ड टू द शेड्यूल लिस्ट जो हमारी शेड्यूल लिस्ट है आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं है ना ठीक है तो अभी जो है ना वो क्वेश्चन को पढ़ो आप ध्यान से कहता है दे आर आर टोटल ट्वेल्व शेड्यूल कहता है बारह शेड्यूल है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है है ना करेक्ट स्टेटमेंट है तो फर्स्ट तो होगी हमारी करेक्ट अच्छा सेकंड कहता है कहता है शेड्यूल इलेवन और ट्वेल्थ वर इनकॉर्पोरेटेड रिस्पेक्टिवली बाय सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू अवर पंचायती राज है ना ये आपको पता ही है और सेवेंटी फोर्थ हमारी म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है ना जो अर्बन एरियाज में हो तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही होगी राइट right? इनकरेक्ट है कहता है नाइन्थ शेड्यूल एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई द फर्स्ट अमेंडमेंट कहता नाइन्थ शेड्यूल जो था वो हमें फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था फिर डी ऑप्शन बोलता है कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन द टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज एडिड बाई द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो सी हेयर स्टूडेंट ध्यान से देखो तो एंटी डिफेक्शन लॉ था वो बिल्कुल टेंथ शेड्यूल का था बट इट इज नॉट द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इट इज फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बच्चे फिफ्टी सिक्स था 1985 के अंदर ठीक है ना कि फोर्टी सेकेंड था ठीक है स्टूडेंट ओके ओके तो थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच ऑफ द इज़ नॉट फिर से नॉट पूछते इसेंशियल कंडीशन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी रेकोगनाइज एज ए नेशनल पार्टी कहता क्या चीज है जो इसल है कि उसको हम एज ए नेशनल पार्टी क्या करें डिक्लेयर कर सके कि वो एक नेशनल पार्टी बन गए अभी आप देखो आम आदमी पार्टी पहले कहाँ पे थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है ना अभी उन्होंने उनकी पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट बन गई है दिल्ली लेजिस्लेचर में भी गवर्नमेंट है राइट तो उस तरीके से ठीक है क्योंकि वो एक होती है हमारी रीजनल पार्टीज आपने देखा होगा कि छोटी छोटी रीजनल पार्टीज वो किसी किसी स्टेट में ना विनर रहती हैं राइट right? किसी किसी स्टेट में वो अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं राइट right? लेकिन वो नेशनल पार्टीज नहीं होती देन वी कॉल इट एज अ रीजनल पार्टीज है ना रीजनल लेवल पे छोटे एरिया पे वो अपना इलेक्शन लड़ रही है नेशनल लेवल पे पार्टी जैसे कि हमारे बीजेपी होगी कांग्रेस होगी आम आदमी पार्टी हो गया ये कौन सी एग्जाम्पल्स है ये नेशनल पार्टीज है क्यों क्योंकि ये ज्यादा स्टेट्स में राइट right? सेंटर में अपनी इनकी गवर्नमेंट है राइट ओके ठीक है तो अभी कुछ तो मैंने चीजें बता भी दी हैं आपको तो उस बेसिस पे स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इसको क्या करना है यहाँ पे अटेम्प्ट करना है हाँ जी तो आपके सामने स्टूडेंट छः की डी चार स्टेटमेंट आपके सामने स्टूडेंट पहले स्टेटमेंट पढ़िए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए पढ़िए मैं आपको टाइम देती पढ़ो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ो ओके ओके स्टूडेंट ठीक है तो देखते ओके पहले स्टेटमेंट पढ़ो कहता है इफ ए पार्टी गेट सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा इन फोर एंड मोर स्टेट पहले स्टेटमेंट में बोलता है कि अगर कोई पार्टी अगर कोई पार्टी सिक्स परसेंट टोटल जो हमारी वैलिड वोट्स होती हैं पोल के अंदर इलेक्शन के कहाँ कौन से इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्शन वो सिक्स परसेंट वैलिड वोट अगर वो जीत ले जाए ठीक है इन फोर और मोर स्टेट चार से ज्यादा स्टेट के अंदर तो क्या वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है बिल्कुल बन सकती है है ठीक इफ ए पार्टी सेंड्स फोर इलेक्टेड मेंबर्स टू द लोकसभा कहती है अगर वो लोकसभा में चार इलेक्टेड पर्सन को अगर वो भेज दे सिर्फ चार इलेक्टेड मेंबर्स को अगर वो लोकसभा में भेज दे क्या वो इलेक्टेड क्या वो नेशनल पार्टी बन सकती है नहीं फिर वो नेशनल पार्टी नहीं बन सकती बट फिर भी बाकी स्टेटमेंट देखेंगे आंसर तो हमें मिल गया कहता है इफ़ ए पार्टी गेट्स टू परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन थ्री सीट्स कहता है अगर कोई पार्टी दो परसेंट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है स्टूडेंट डू कमेंट फ्रॉम नॉट लेस देन थ्री स्टेट्स तीन मतलब कम तीन से कम स्टेट्स में अगर वो दो परसेंट से ज्यादा सीट्स ले जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जितनी भी हमारी लोकसभा तो क्या वो नेशनल पार्टी होगी बिल्कुल इफ इफ ए ए स्टेट पार्टी रिकोगनाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट टू स्टेट अगर वो दो स्टेट्स के अंदर वो क्या बना दे अपनी गवर्नमेंट बना दे तो क्या वो नेशनल पार्टी बनेगी बिल्कुल बनेगी तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी आई बी आई है ना तो बी हमारा नॉट करेक्ट है राइट स्टूडेंट ओके okay, स्टूडेंट तो हम यहाँ पे हमारा सेशन करते हैं ओवर तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट दिसंबर से आपको पता ही है जैसे और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो अपनी फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज और स्टूडेंट ये जो बैच है ये एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स डेडिकेटेड है सो so दैट आपका प्रीलिम्स जो है वो बिल्कुल भी रुके ना राइट right? उसमें आपकी सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर हो आप कट ऑफ क्लियर करो ओके okay स्टूडेंट इसमें टेस्ट सीरीज़ आपकी लाइव क्लासेस होंगी लाइव आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के साथ मैं ये सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे